नमस्कार, मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस प्लान लेके आया हूँ जिसके अंदर आप सिर्फ अकेले पैसा नहीं कमाएंगे बल्कि आप हमारे देश में हजारों लाखों लोगों को भी पैसे कमाने का मौका देंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमारे साथ में अंत तक बने रहिए और जानिए कि किस तरह से आप दूसरों को भी पैसे कमाने का मौका दे सकते हैं और आप भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं और वहां पे हम लोग डिटेल में जानते हैं कि ये बिजनेस मॉडल क्या है और किस तरह से इसके अंदर आपकी और दूसरों की इनकम आपकी मदद से हो सकती है। बिजनेस के अंदर कंपनी आपको एक ऐसा ही मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर देगी जैसा कि अभी आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपका ये जो एप्लीकेशन होगा वो प्ले स्टोर से आपके कस्टमर्स डाउनलोड कर सकेंगे। कंपनी सिर्फ आपको एप्लीकेशन ही बनाकर नहीं देगी, साथ ही में जो भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कंपनी खुद से ही आपके एप्लीकेशन में अपलोड भी करेगी। उसके अलावा हर रोज 40, 50, 70 से ज़्यादा कलेक्शन आपके एप्लीकेशन में कंपनी के द्वारा रोजाना नए नए कलेक्शन आते रहेंगे जिसको आपको खरीद कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपनी आपके एप्लीकेशन में ये जो भी प्रोडक्ट डाल रही है इसके अंदर आपका जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा वो पहले से ही मिला हुआ होगा जिसके बारे में सिर्फ आपको और आपकी कंपनी जो है उसी को पता होगा। आपके कस्टमर्स जो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। अब जो भी ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा उसके पास में दो ऑप्शन है। पहला जो कि सभी जगह होता है कि भैया जो भी प्रोडक्ट पसंद आ रहा है वो खुद से खरीद सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन जो कंपनी इसके अंदर दे रही है वो ऐसा है कि अगर कोई खुद से प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता बल्कि वो किसी और को आगे रीसेल करके पैसा कमाना चाहता है आपके एप्लीकेशन से, तो वो चीज़ भी इसके अंदर हो सकेगी। अब देखते हैं कि किस तरह से कोई और इसके अंदर पैसा कमा सकता है। मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने आपका एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, उसमें से एक पर्सन का नाम है राहुल। अब राहुल क्या करना चाहता है, वो आपके एप्लीकेशन से रीसेल करके पैसा कमाना चाहता है। तो उसको क्या करना रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप हर प्रोडक्ट के नीचे शेयरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे अदर्स, शेयर नाउ व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक। तो राहुल इस प्रोडक्ट्स को, इन सारे प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता है। शेयर करने के लिए जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ये अदर्स वाला जो ऑप्शन है, ये जो साड़ी है 1245 रुपये की दिख रही है, यहाँ पे वो अदर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो डिस्क्रिप्शन जो होगा एप्लीकेशन में प्रोडक्ट्स का वो कॉपी हो जाएगा, और जिन्होंने भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा उनके मोबाइल में जो जो ऑप्शन होंगे शेयर करने लायक वहाँ पे वो उनको सब दिखने लगेगा कि यहाँ यहाँ पे ये सब प्रोडक्ट्स शेयर किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा लोग व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, तो यहाँ पे कोई व्हाट्सएप में क्लिक करेगा वो, तो जो जो ऑप्शन उसके पास में हो सकते हैं जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट्स को शेयर किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट्स में, स्टेटस में, कहीं पर भी वो प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं, तो शेयर करने के लिए वो जिसको भी शेयर करना है वहाँ पे उसको सिलेक्ट करके आगे सेंड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कैटलॉग में जो भी इमेजेस थी वो सारी की सारी इमेजेस जो हैं यहाँ पे व्हाट्सएप में शेयर हो गई है। और अभी डिस्क्रिप्शन को उसको क्या करना रहेगा, सिर्फ कॉपी, उसने कॉपी हो चुका था तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उसको पेश करना है। अभी देखिए आपके एप्लीकेशन में साड़ी की प्राइस कितनी थी, 1245। तो राहुल ने, जिसने ये प्रोडक्ट को शेयर किया है, उसको पता है ये साड़ी 1245 में एप्लीकेशन में है। मान लीजिए वो इस साड़ी को 1500 रुपये में बेचना चाहता है अपने कस्टमर्स को, तो वो क्या करेगा, अभी अपना मार्जिन उसने ऐड कर लिया और ये साड़ी आगे बताई है 1500 रुपये में अपने कस्टमर्स को। अब मानते हैं कि राहुल को बहुत सारे लोग ऑर्डर्स कर रहे हैं, किसी को ये साड़ी पसंद आ रही है तो वो ये साड़ी का ऑर्डर अब राहुल को करना चाहते हैं। मानते हैं कि राहुल को एक कस्टमर मिली, उस कस्टमर का नाम है श्रुति। श्रुति को ये साड़ी पसंद आई तो श्रुति ऑर्डर किसको करेगी, राहुल को ऑर्डर करेगी, क्योंकि राहुल ने ही अपने कॉन्टैक्ट में, व्हाट्सएप में, सब जगह से प्रोडक्ट्स को शेयर किया हुआ है। तो श्रुति अभी राहुल को पेमेंट कितना करेगी, 1500 रुपये, क्योंकि राहुल ने इस साड़ी की कीमत श्रुति को 1500 रुपये बताई है। अभी 1500 के हिसाब से राहुल जो होगा वो श्रुति से पेमेंट ले लेगा अपने खुद के अकाउंट के अंदर, या फिर मान लीजिए वो उससे ऑर्डर ले लेगा कि भाई हाँ 1500 में ये साड़ी जो है उसे पसंद आ गई है, भिजवानी है। मानते हैं कि जो उसको साड़ी खरीदनी है वो ये सबसे पहली साड़ी है, लाल वाली साड़ी। अब राहुल क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन में आएगा और उस एप्लीकेशन के अंदर ये साड़ी का नाम सर्च करेगा जिसका उसको ऑर्डर मिला है, NY8048C, ठीक है, ये नाम वो सर्च करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो प्रोडक्ट जो होगा जिसका ऑर्डर उसको मिला है ये यहाँ पे आ गया। अब राहुल क्या करेगा, इस साड़ी का ऑर्डर करेगा श्रुति के लिए। तो उसको ये वाली साड़ी पसंद आई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बाय नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे बाय नाउ होगा, अभी ये जो प्रोडक्ट होगा कार्ट में ऐड हो गया। अभी देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अब देखिए यहाँ पे कस्टमर प्राइस डालने का ऑप्शन है, तो उसने ये, राहुल ने ये साड़ी जो है कितने में बेची थी श्रुति को, 1500 में, तो यहाँ पे वो अमाउंट डालेगा 1500, मतलब वो 255 रुपये का मार्जिन कमाना चाहता है इस साड़ी के ऊपर। अब कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे जो भी श्रुति ने एड्रेस दिया होगा
कि हाँ राहुल भैया मुझे ये जो साड़ी है इस एड्रेस पे भिजवानी है, तो यहाँ पे उसको एड्रेस जो होगा ऐड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और अगर पहले से कोई एड्रेस डाला हुआ है तो उसको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो डिलीवर हियर पे क्लिक करेगा, राहुल अपना नाम डालेगा कि राहुल के नाम से ये साड़ी जानी चाहिए श्रुति को, तो श्रुति का एड्रेस सेलेक्ट किया और सेंडर इन्फॉर्मेशन में राहुल का नाम डाला। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो देखिए राहुल के नाम से साड़ी जाने चाहिए, उसको सिलेक्ट कर लिया, प्रोसीड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे उसको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, राहुल चाहे तो श्रुति के लिए कैश ऑन डिलीवरी में भी ऑर्डर कर सकता है और चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है। अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो राहुल कितना पेमेंट करेगा एप्लीकेशन में आपके 1245, और उसने अपने कस्टमर से कितने लेने होंगे 1500 रुपये, मतलब 255 रुपये उसने अपने कस्टमर श्रुति से पहले ही ले लिए। और वो अगर कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करता है तो वो भी कर सकता है। अब देखिए सपोज मानते हैं कैश ऑन डिलीवरी में राहुल ऑर्डर कर रहा है श्रुति के लिए, तो उसने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे प्रोसीड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से ऑर्डर जो है सक्सेसफुली प्लेस हो गया। अभी देखिए ये जो ऑर्डर है ये 1500 रुपये का प्लेस हो गया आपके एप्लीकेशन में। राहुल को दिख रहा है कि ये साड़ी की बेस प्राइस थी 1245 रुपये, इसने श्रुति को कस्टमर प्राइस कितने में बेचा है 1500 रुपये में, और 255 रुपये का उसने मार्जिन कमा लिया। ठीक है, तो श्रुति के नाम से ये जो एड्रेस हो जाएगा ये कर दिया गया है, और सेंडर इन्फॉर्मेशन में ये राहुल का नाम से जाएगा। अभी देखिए आप खुद सोचिए, ये जो ऑर्डर राहुल ने किया है और इसके अंदर उसने 255 रुपये कमाए हैं, क्या ये 255 रुपये कमाने के लिए राहुल को कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ा? 1 रुपये भी नहीं। इसका मतलब क्या है, आप राहुल जैसे हजारों लाखों लोगों को मौका दे रहे हैं कि भैया बिना पैसा लगाए मेरे एप्लीकेशन से आप बिजनेस करके पैसा कमाओ। इसका मतलब हजारों लाखों लोग आपके एप्लीकेशन को बहुत फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कंपनी आपको ट्रेनिंग भी देगी कि किस तरह से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि इस तरह से रीसेल करके पैसा कमाना चाहते हैं। अभी इसके अंदर आपका प्रॉफिट कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी ये जो 1245 रुपये का ऑर्डर आया है, इसके अंदर जो आप एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो आपका प्रॉफिट पहले से ही इसके अंदर मिला हुआ है, जिसके बारे में सिर्फ आपको और कंपनी को पता है। तो मानते हैं ये जो 1245 रुपये है, इस 1245 रुपये के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो पहले से 200 रुपये मिला हुआ है, ये आपको और कंपनी को पता है। तो अभी क्या होगा, ये ऑर्डर जो होगा कंपनी सीधा भेजेगी श्रुति को। किसके नाम से भेजेगी? राहुल के नाम से। तो राहुल के नाम से श्रुति को कंपनी ने प्रोडक्ट कुरियर करवा दिया। कंपनी का कुरियर वाला जा रहा है, इसका मतलब उसका जो पैसा होगा कस्टमर से वो पहले किसके पास आएगा? कंपनी के पास में। तो कंपनी ने 1500 रुपये कस्टमर से कलेक्ट किया। अब देखिए 1245 के अंदर 200 रुपये मिला हुआ था आपका प्रॉफिट जिसने एप्लीकेशन बनवाया है। अब ये चीज़ आपको और कंपनी को पता है, तो कंपनी 1245 में से 200 रुपये माइनस करके जितना कंपनी का वैल्यू होगा वो कंपनी अपने पास में रख लेगी। तो कंपनी क्या करेगी, 1045 रुपये कंपनी अपना खुद का रख लेगी, और उसके बाद में 1500 रुपये में से 1045 माइनस करके जितना भी पेमेंट बच रहा है वो कंपनी आपको ट्रांसफ़र करेगी जिसने ये एप्लीकेशन बनाया है। अब ये टोटल प्रॉफिट उसको मिल गया जिसने एप्लीकेशन बनवाया है। अब वो क्या करेगा, वो राहुल को पेमेंट करेगा राहुल का कमीशन। राहुल ने कितना कमीशन रखा था, अपना मार्जिन कितना रखा था? 255 रुपये। तो 255 रुपये जो होगा वो अभी आप जिसने एप्लीकेशन बनवाया है वो आप राहुल को ट्रांसफ़र करोगे। तो इस तरीके से जो सप्लाई साइड है वो कंपनी कर रही है, जो कस्टमर साइड है वो राहुल जैसे रीसेलर्स ला रहे हैं। तो इस तरह से आपको सिर्फ थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का काम करना रहेगा और बहुत अच्छा खासा पैसा आप इस एप्लीकेशन से फिर कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन ऐसा खुद के लिए बनवाना है तो अभी हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको उसके अंदर हेल्प करेंगे कि जिससे आपका खुद का एप्लीकेशन बन पाएगा। इसके लिए कितना पैसा लगेगा, किस तरह से काम होगा, इसके बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।